मुख्य द्वार के बजाय रात को 8:30 बजे किसके आदेश से मुख्य द्वार के बजाय दूसरे द्वार से गाड़ी अंदर जाती, जिसमें कुछ मशीनें खराब बताई जा रही, खराब मशीनों का ये न तो केंद्र है, ठीक है, किसके आदेश से और कितनी मशीनें आई है, किसी भी उम्मीदवार को बुला के जानकारी नहीं दी गई, खाली करी गई। जब यहाँ ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से बात करी, अभी हमारे अभ्यर्थियों ने हमारे एजेंट ने, तो वो शराब पिया हुआ स्टाफ है, बोलते हैं यहाँ तो इस द्वार की जिम्मेदारी हमारी, उस द्वार पे कोई सिक्योरिटी की जवाबदारी नहीं है, तो उस द्वार से गाड़ी क्यों जा रही जब ये मुख्य द्वार है। वो किसके आदेश से और कितनी मशीनें आई, वो मशीनें कहाँ रखी गई है, हमको चेक करा के हमारे समक्ष उस मशीनों को भी सीज कर दिया गया। अगर यहाँ कलेक्टर साहब का बोलना कि वहाँ रख सकते हैं वेयर हाउस है, तो हमारे नॉलेज में डाला जाए, क्योंकि हमको 100% उम्मीद है कि मशीनें चेंज होने की पूरी बदल हमको उस आदेश की कॉपी, कितनी मशीनें आई है, किसके आदेश से आई है, वहाँ मशीनें हमको गिनवा दो। हमारे चार लोग जाएंगे, वो चेक करेंगे आपके अधिकारियों के साथ, सही साठ नंबर, सही साठ संख्या, और उनको वहाँ सील करें। आज के बाद यहाँ पे चार गेट है, चारों गेट पे सुरक्षा की जवाबदारी आप लोगों की है। अब आपके हैं जो तैनात ड्यूटी पे अधिकारी कर्मचारी है, वो इस वक्त ड्यूटी पे शराब पिए हुए हैं, अब भाषा का उपयोग कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि एक गेट की जिम्मेदारी हमारी है, बाकी पूरे काले। हमको जो अंदेशा था कि मशीनों में हेरा फेरी होने की संभावना है, वो संभावना बिल्कुल सत्य होती प्रतीत हो रही है। खराब मशीनों को लाकर कोई यहाँ रिपेयरिंग सेंटर नहीं है, जो खराब मशीनों को लाकर यहाँ रिपेयर के लिए रखा जाए। खराब मशीनें इस जगह कॉलेज में या मतदान केंद्रों से आई हुई मशीनें जमा है, उस जगह लाने का कोई उचित नहीं है। हम रिटर्निंग ऑफिसर और जिला निर्वाचन अधिकारी जी से मांग करते हैं कि वो हमको बताए कि कितनी मशीनें यहाँ लाए, अभी खराब लाए और कहाँ रखी, हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हमको शंका है कि मशीनों में हेरा फेरी होने की 100% उम्मीद है, क्योंकि सागर में भी आज ही का मामला था कि वहाँ इस तरीके की वो घटना घटी। क्या लग रहा है ये घटना, कुछ भी कर सकते हैं, सरकार कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि सरकार चली जा रही है, सरकार 80 सीटों से अधिक नहीं जीत पा रही है, इसलिए मशीनों में जोड़ तोड़ करके कैसे भी प्रशासनिक दबाव डाल के मशीनों में हेरा फेरी करने की 100% उम्मीद है। ये जो अनुपयोगी मशीनें या एक्स्ट्रा मशीनें थी, मशीनें 28 तारीख को जमा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन 28 तारीख को रिटर्निंग ऑफिसर की व्यस्तता के कारण ला नहीं पाए सामने, और 29 तारीख को भी अपेक्षक के साथ सारी की जांच थी। सर कितनी मशीनें होंगी, फिर ये आज ये लेके आए, कितनी मशीनें होंगी सर? जनप्रतिनिधियों को हमने भी चेक करा दिया, और ये जो जमा करी मशीनें उसकी सूची से तो वेयर हाउस नीचे है उस पर रखी गई है, वो जनप्रतिनिधियों को चेक करा दिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।